गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोग को टाइम दिखाऊंगा और आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। सुबह के बज रहे हैं 3:50। मैं भी उठ गया हूँ, शिल्पी की भी नींद खुल गई थी और ऑगी भी जग गया। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ब्लैक कॉफी और बस अब काम स्टार्ट करते हैं। जल्दी उठ गए थे आज तो आई बिलीव कि बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। यही तो मजा है भाई जल्दी उठने का। जल्दी उठो, जल्दी काम खत्म कर दो, एकदम फोकस्ड रह करके बिना डिस्टर्बेंसेस के। बहुत तेजी से काम होता है सुबह सुबह, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कभी उठो जल्दी 4-5 बजे उठो और अपने पेंडिंग काम करना शुरू करो। यार सनक होना ना अच्छी बात, अगर लाइफ में किसी भी चीज के लिए सनकी नहीं हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। अबे यार सुबह सुबह ज्ञान मत दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ज्ञान मत दीजिए, आप वापस से सो जाइए। तो चलो ठीक है भाई, ज्ञान नहीं देता हूँ, चिल मारो, चिल चिल चिल। शिल्पी मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका ना ऑगी का ना नाम चेंज कर देते हैं, डॉलर रख देते हैं। इसका क्या आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा कि क्या तहसील से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? अब नहीं कर सकते, इसको याद हो गया अपना ऑगी। डॉलर डॉलर बोला ना, डॉलर के नाम से। डॉलर डॉलर कह रहा हूँ, पता नहीं किसको। ऑगी ऑगी सो रहा है क्या? सो गया सो गया। उसने कहा ये तो सनकी है, साले रोज उठ जाते। अरे यार उठा भी था ऐसे, तो न्यू करता हुआ आया था, छोटी छोटी आंखें करता हुआ मेरे पास। ऑगी इधर आ, ऑगी ले ले ऑगी। अपना नाम जानता है ये, डॉलर रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, भूल जाएगा। डॉलर ऐसा नहीं हो सकता कि इसका घर का नाम ऑगी और बाहर का नाम डॉलर रख दे। हाँ, स्कूल जाएगा ये बाहर। अरे यार गजब गजब ख्याल आ रहे, सुबह सुबह उठ गया है। फ्रेंड्स आज बड़े दिनों के बाद मैं निकल आया हूँ साइकिल लेकर के अपनी। एडिटिंग का भी काम खत्म हो गया था, बस वीडियो अपलोड हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज साइकिल निकाल के ऐसे ही थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर चलाते हैं। साइकिल की हालत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, थोड़ा चलाएंगे तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ और मैं इतनी जल्दी थक गया, स्टैमिना थोड़ा सा ना कम हो गया है। स्टैमिना थोड़ा सा क्या, काफ़ी कम हो गया है। एक्चुअली इसलिए भी चला रहा हूँ क्योंकि साइकिल में ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो जब तक चलाऊँगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी अभी देखा कि इसका जो राइट हैंडल पे गियर होता है उसमें गियर डाउन वाला जो लीवर है वो टूट गया है। या तो उसका कनेक्शन टूट गया होगा या तो कुछ हो गया होगा, कुछ तो सिस्टम है। अब ठीक है कोई बात नहीं, आवाज़ पता चल गई है तो इसको जल्दी बनवा भी लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। देखो तो जो मैं बात कर रहा था ना वही हो गया, इसका जो गियर चेंजिंग वाला नॉब होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है जैसा, वो निकल के टूट गया। ये तो कहो मेरी आंखों के सामने गिरा तो मैंने उठा लिया, वरना नुकसान हो जाता खामखा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको रख लेता हूँ, जब कभी साइकिल बनेगी तो फिर से लगवा लेंगे। आई थिंक ये यूज़ हो जाएगा, लग जाएगा फिर से। एकदम फ्रेशनेस सी फील हो रही है। शिल्पी यहाँ नाश्ता बना रही है जैसा मैंने इसे पाया, आज पोहे बन रहे हैं। नहीं अभी सब्जी। अच्छा अभी लंच की सब्जी बन रही है। और देखो भाई ये अपनी घर की खेती से करी लीव्स तोड़ी गई हैं पोहे के लिए। क्या बात है, घर की खेती ऑर्गेनिक, एकदम ऑर्गेनिक। दरवाजे क्यों बंद कर रही हो? ऑगी आ रहा है किचन में। ऑगी शैतानी नहीं, तुम ही तो शैतानियां सीख रहे हो ना। नहीं नहीं सब समझ रहे हैं बेटा, खाते में लिखा जा रहा है तुम्हारी सब शैतानियां क्या है। खाता मेंटेन करने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा ऑगी के लिए ब्रह्मा। अब और तुम्हारा खाता मैं मेंटेन कर रही हूं। नहीं ऐसा मत करिए, मेरे खाते में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो है ना, तभी तो बोल रही हूं। अजी हाँ अजी हाँ, मैं बनाने जा रहा हूँ टैंग। टैंग बना लेते हैं, टेबल पे चल के देखते हैं कि वीडियो का क्या स्टेटस है। दोस्तों वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, बस थंबनेल डालना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है और वीडियो लाइव हो जाएगी। क्या बात है, आज सब कुछ टाइम पे। अभी कितना बज रहा है? 7:30।
सही है यार, आज सब कुछ बहुत टाइम पे हो गया। देखो जल्दी उठने का फायदा ये भी है कि भाई साहब सारे काम हो गए और अभी भी सिर्फ 7:30 ही बज रहा है मोटा मोटी। अभी ऑलमोस्ट नहाने जाने में 1 घंटे से ज्यादा है। A few inches later. लौकी का रायता बन रहा है तो शिल्पी ने बोला लौकी को ग्रेट कर दो, तो मैं इसकी थोड़ी हेल्प करा देता हूँ ताकि इसका भी काम थोड़ा हल्का हो जाए आज, क्योंकि अपने पास टाइम भी है तो अपन बहुत इजीली ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे के उठे हुए हैं। हाँ सुबह के 3:15 बजे के उठे हुए हैं हम लोग, देखो कितने मेहनती लोग हैं। तो भैया नहा धो के आ गए हैं, ब्रेकफास्ट रेडी है, पोहा। क्या बात है, पोहा मेरा फेवरेट है इसीलिए मैं अक्सर ब्रेकफास्ट में पोहा प्रेफर करता हूँ। ऑफिस के लिए टिफिन बॉक्सेस भी पैक हो गए हैं तो अब जल्दी से पोहा खाते हैं, मजेदार पोहा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है यार पोहा देख करके। जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस को, मिलते हैं शाम को ऑफिस से वापस आके। वेलकम बैक गाइज, ऑफिस से आ गया वापस घर और अभी बज रहे हैं कितना, ऑलमोस्ट 7 बजे। ऑगी किचन में बैठा हुआ है, अभी पता लगा कि ऑगी ने दोपहर 12:30 बजे के बाद से कुछ भी नहीं खाया है। दिक्कत क्या है ऑगी, इसको चाहिए एग्स, ये एग्स बड़े प्रेम से खाता है, इसको चाहिए। मैंने दिया नहीं है खाना इसलिए नहीं खाया। नहीं ऐसा नहीं है, निकला ही नहीं बेड से नीचे से, इसका मतलब पेट भरा हुआ था इसका। तो ये अंडा खाया था सुबह? सुबह बॉयलर खाया था और लंच में इसने ब्रेड और ऑमलेट खाया है। भाई साहब आप ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। फिर इसका पेट भरा है शिल्पी, अभी कुछ मत दो, मेरी बात मानो, अभी मत दो, नहीं खा लेगा। 12:30 के बाद में गैप कितना हो गया, हो सकता है उसने अपना डॉग फूड खाया हो। भी नहीं खाया, डॉग फूड कब डाला है मैंने, 6 बजे डाला है, मांग ही नहीं रहे खाने। अच्छा तो अभी फिलहाल हम इसे दे रहे हैं ब्राउन ब्रेड सेक करके, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। डॉग फूड तो रखा रहता है इसके बोल में, खाना होगा तो खा लेगा बीच बीच में कभी भी। तो आज घर में बन रहा है ऑमलेट, एग व्हाइट ऑमलेट, राइट, एग व्हाइट ऑमलेट बन रहा है डिनर में वेजीज के साथ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजीज एज यू कैन सी। तो ऑगी की ब्रेड सिक चुकी है, ऑगी सिकी हुई ब्रेड खाएगा, नमक मक सब डाल दिया है, नमक काली मिर्च, काली मिर्च नहीं डाली, सिर्फ नमक और देसी घी में सेक, देसी घी मक्खन मलाई ऑगी, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई बाबा। खा ले बेटू, वेरी गुड, भूखा है मेरा बच्चा, आराम से खा ले। देख शिल्पी भी बैठ गई है, हम दोनों बैठ गए हैं। दे रही हूँ बाबा, दे रही हूँ। ये बताओ ऑगी, नेल पेंट कौन लगाया तुम्हारे ऑगी? मैंने लगाया। तुमने इसके नेल पेंट लगा दिया? हाँ। किस खुशी में भाई? बेटी है ये इसलिए। घर की बिटिया है ये। ब्याह दो अपनी बिटिया को फिर, अभी बच्ची है, अपने बिटिया का बाल विवाह करा दो। ए बिटिया देखो कैसा अच्छा नेल पॉलिश लग रहा है बेटू, इसके नेल्स फाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, कितने अच्छे नेल्स हैं, मतलब शेप में है। कल से बिंदी करवा चौथ पे भी तैयार होगा, बिंदी बिंदी लगेगी। हाँ करूंगी मैं, मजाक लग रहा है। नहीं बाबा देना थोड़े से और। ऑगी क्या चबा रहे हो मेरे लाल, इधर देखो ऑगी, खाने से फुर्सत है तुम्हें, क्या हाल बनाया है ये देखो आप लोग अगर देख सकते हो तो। क्या है ये, जूते पड़ेंगे जूते, यही वाले मुंह बना रहा है, इधर देख मारो फिर, गलत बात है ऑगी ये। A few moments later. देखिए आप लोग ऑगी के पैरों की नेल पॉलिश कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ऑगी बड़ा शैतान है, तुसी बड़े शैतानिया हो ऑगी, ऑगी द मास्टर। शिल्पी मैडम चाय पीते हुए, तो शिल्पी क्या प्लान है फिर कल का, क्या प्लान है सैटरडे, कल हमने कुछ शॉपिंग करने चलना है, तो लिस्ट तैयार है कुछ 2-3 चीजें हैं हमारे पास, पहले तो मेहंदी भी लगवाना ना, बाकी कुछ 1-2 सामान लेने पूजा के लिए, राइट। तो ठीक है गाइस, शाम को इधर ही पॉज कर देते हैं और इस वीडियो को एंड, क्योंकि बस डिनर बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, सुबह उठ के फिर से वही दिन चालू। कल छुट्टी है, हो सकता है कुछ नया हो सकता है कि डेफिनेटली नया होगा, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग करने जाने सामानों की, तो कुछ ना कुछ तो रोमांचक जरूर होगा, देखते हैं कल क्या होता है। और मन तो है मेरा कि कल सुबह भी जल्दी उठ करके साइकिलिंग 1 राउंड जाऊं, वीडियो एडिट करने के बाद जो भी पॉसिबिलिटी होती है दिखाएंगे आप लोगों को। तो इस व्लॉग को इधर एंड करते हैं, यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।